किनुआ खिचड़ी लग रही है ना टेस्टी सी। देखिए घी ट्रिकल कर रहा है, और भी टेस्टी हो गई। तो चलिए बताएं कैसे बनाया। फूड इज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे किनुआ खिचड़ी। उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप किनुआ भिगो के रख दिया था, एक घंटा अच्छे से धो के, और 1/4 कप दाल भिगो के रख दी थी। किनुआ एक घंटे के लिए भिगोया था, दाल आधे घंटे के लिए। ये मूंग की धुली दाल है। उसके अलावा थोड़ा सा तड़के में हम डालेंगे 4 से 5 बीन्स, ग्रीन बीन्स, आधी कैरेट है जो बारीक काट ली है, लहसुन है 4 से 5 कलियाँ बारीक कटी हुई, अदरक है 1/2 इंच, यहाँ पर दो हरी मिर्चें हैं, और यहाँ पर एक मीडियम प्याज है बारीक कटा हुआ। तो सबसे पहले मैं किनुआ और दाल को थोड़ा सा नमक और हींग डाल के 4 विसल्स दिलवा दूंगी। अब क्योंकि ये टोटल 3/4 कप है, तो उसमें 1.5 कप यानी कि डबल पानी डलेगा। तो एक बार 4 विसल्स इनको दिलवाऊंगी, और इन दोनों को मैं ब्लांच करूंगी, बीन्स को और गाजर को। इनको एक साइड पे ब्लांच करना रख देते हैं, और फिर इसको बनाते हैं जब ये सब उबल जाता है। तो देखिए ये अच्छे से बॉईल हो गया। मेरे को 1/2 कप पानी और डालना पड़ा इसमें, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा सा लग रहा था। तो टोटल हमारा 2 कप पानी डला है इसमें। और अब यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गैस पर, और इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा, वैसे तो इसमें सरसों और जीरा दोनों डलते हैं, बट मेरे पास सरसों ख़त्म हो रही थी, कुछ दाने ही हैं। ये घी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कम कर देती हूँ। कुछ दाने ही हैं तो वही डाल रही हूँ मैं, और प्लस 1/2 चम्मच जीरा। वैसे जीरा और सरसों दोनों 1/2 चम्मच डालिएगा। ब्राउन होने लगा, तड़क गया, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ करी पत्ता। आज से 10 करी पत्ता, फ्रेश हो तो अच्छा। आज मेरे पास फ्रेश थे तो मैंने फ्रेश डाल दिए, नहीं तो आप सूखा भी डाल सकते हैं। इसके बाद जाएगा जिंजर और गार्लिक, इसको रॉ स्मेल जाने तक हम पकाएंगे। मैंने थोड़े से पीस भी देखे बॉईल कर दिए थे साथ में। वैसे तो इसमें कॉलीफ्लावर भी अच्छा लगता है, यानी कि फूलगोभी अभी नहीं था तो वो नहीं डाला है। तो सब्जियां आप वैसे अपने चॉइस की डाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज और हरी। तो ये सब्जियाँ बॉइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खाली प्याज को हम थोड़ा सा पिंकिस करेंगे, ट्रांसलूशन से थोड़ा ज़्यादा और ब्राउन से थोड़ा कम। ये हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जियाँ। देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो जब बॉईल कर लेते हैं आप सब्जियाँ तो बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे मसाले, यानी कि खाली सब्जियों के स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने ऑलरेडी किनुआ में भी डाला है। 1/3 टीस्पून जितना हल्दी, 2 कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम डाला है,
वैसे तो अराउंड हाफ टू थ्री क्वार्टर टीस्पून डल जाता है, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा तीखी वाली मिर्ची भी डाल रही हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये बहुत तीखी होती है, तो खाली 1/4 चम्मच इसमें। आप अगर तीखी मिर्ची नहीं डालना चाहें तो आप सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 या 1 चम्मच जितना डाल सकते हैं मसाले वाला। ये चले गए मसाले और अब हम इसमें डाल देंगे किलो। किनोआ और दाल, सॉरी मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से और 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे और बस ये रेडी। अब इसको 3 से 4 मिनट पका के फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाते हैं। इसे सेक मैं थोड़ा सा यहाँ पे मीडियम तेज कर रही हूँ। गैस बंद करने से पहले मैंने इसमें चॉप्ड कोरिएंडर डाल दिया था और विद अ ब्लॉब ऑफ घी और हरी मिर्च हमने इसको गार्निश कर दिया है और इट इज़ रेडी टू ईट। आप दही के साथ खाइए, थोड़ा सा नींबू डाल के खाइए, हेल्दी एंड टेस्टी। तो इसको बनाइए ज़रूर, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।